नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम एसएसटी का जो फर्स्ट टॉपिक था वो सिंधु घाटी सभ्यता था और फर्स्ट यूनिट से संबंधित है। और इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसके बारे में हम देख तीन जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो स्थल थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब जो फोर्थ है वो है कालीबंगा। फर्स्ट जो हमने पढ़ी थी वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो, दूसरी और तीसरी थी चन्हुदड़ो। अब फोर्थ है कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में जो शाब्दिक अर्थ है वो है कांच की काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो कांच की काली चूड़ियाँ। अब जो हर सभ्यता से संबंधित हम तीन ही चीज़ों पर ज़्यादा विशेष ध्यान देते हैं, कौन से स्थान पर स्थित है, खोजकर्ता कौन है और अवशेष क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि एक घग्गर नदी के तट पर स्थित है जो हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी दो जिलों में प्रवाहित होती है, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के तट पर है, हनुमानगढ़ में है और जो राजस्थान में स्थित है। इस जो सभ्यता के खोजकर्ता थे वो अम्लानंद घोष। कौन थे? अम्लानंद घोष। इस सभ्यता के खोजकर्ता थे अम्लानंदा घोष 1922 में, जबकि उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बालकृष्ण थापर के निर्देशन में 1961 से 1969 तक हुआ। 1961 से 1969 तक लगभग 8 साल इस सभ्यता के बारे में उत्खनन का कार्य किया, जो जानकारी हासिल की थी। इसमें हमें जो अवशेष प्राप्त हुए थे वो थे सर्वप्रथम सिंध कालीबंगा से संबंधित जो स्थल है उसमें क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए थे, वो थे जुते हुए खेत के साक्षी। विश्व का जो प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्षी मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के साक्षी किस सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा से। इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक मोहर पर व्याघ्र का अंकन मिला है, व्याघ्र का अंकन एक मोहर पर। दूसरे, साधारण चूल्हे के साथ साथ तंदूर के चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं। किस सभ्यता से? साधारण चूल्हे के साथ साथ तंदूर के चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से। फोर्थ है हमें अग्निकुंड के साक्ष्य अलंकृत फर्श। क्या है? अग्निकुंड के साक्ष्य और अलंकृत फर्श किससे मिले हैं? कालीबंगा से। अब जो मेसोपोटामिया की मुहर मिली है, मेसोपोटामिया की मुहर मिली है मिट्टी निर्मित, वो कहाँ से मिली है? कालीबंगा से। और दूसरी, एक मेसोपोटामिया की पांच बेलनाकार मुहर कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो हमें मेसोपोटामिया की मुहर दो जगह से मिली है, एक तो मोहनजोदड़ो से और दूसरी कालीबंगा से। ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी मेसोपोटामिया की मोहर किन दो स्थलों से मिली है, ये ध्यान देने योग्य बात है। इनमें से हमें क्वेश्चन में एक नहीं देगा, एक देगा, तो हमें ध्यान रखना है। दो स्थल ऐसे हैं जिनमें से मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से। तीसरा है जो इसमें शिक्ष अवशेष है वो है सात आयताकार यज्ञ वेदियाँ मिली हैं। सात आयताकार यज्ञ वेदियाँ कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से। छिद्रित खोपड़ी, छिद्रित खोपड़ी किससे मिली है, अर्थात खोपड़ी में छोटे छोटे छेद मिले हैं, वो किस सभ्यता से है? कालीबंगा से। कपास की खेती का साक्ष्य भी सर्वप्रथम इसी सभ्यता से मिले हैं। जुते हुए खेत के भी साक्ष्य विश्व के प्राचीनतम जुते हुए खेत के ओर से भी मिले होंगे, अलग अलग सभ्यता में मिले हैं, लेकिन जो सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं वो हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और कपास की खेती के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। अब इसमें दो तीन चीज़ हैं जो फिर नौवा अवशेष क्या मिले, जो छिद्रित खोपड़ी मिली है, यहाँ के लोग उस लोग क्या करते थे, शवों को दफनाते थे। मात्र मूर्त त्यां एकमात्र स्थल जहाँ से प्राप्त नहीं हुई हैं, मात्र मूर्तियाँ
एकमात्र स्थल है जहाँ से प्राप्त नहीं हुई है। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो नोट, दो नोट हैं। एक तो ये है कि दो रेत के टीले प्राप्त हुए हैं। उन रेत के टीलों में एक तो पश्चिम में छोटा टीला मिला है जिसे गढ़ी क्षेत्र कहते हैं, और पूर्व में मिला है बड़ा टीला, उसे क्या कहते हैं, नगर। नगर अपने आप में बड़ा होता है, तो बड़ा टीला पूर्व में मिला है और उसे क्या कहते हैं, नगर क्षेत्र, और गढ़ी क्षेत्र पश्चिम में मिला है जो छोटा टीला है। ठीक है, अब इस सभ्यता के बारे में, जो कालीबंगा सभ्यता है, जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बारे में दशरथ शर्मा ने एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा है, किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी किसने कहा है, तो किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने। अब जो हमने चार सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल हैं उनके बारे में पढ़ लिया है, अब जो पांचवा स्थल है वो है लोथल। लोथल लोथल कहाँ स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है अहमदाबाद गुजरात। और एक स्थल और है रंगपुर, वो भी किस पर स्थित है, गुजरात में। और लोथल भी कहाँ स्थित है, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर। खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। 1955 में एवं 1962 में इसके बारे में खोज हुई थी। अवशेष क्या हैं लोथल के, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि ये फारस ईरान की संगमरमर से निर्मित मोहर प्राप्त हुई है। किस सभ्यता से ईरान की संगमरमर से निर्मित मोहर प्राप्त हुई है, इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फारस ईरान की संगमरमर से निर्मित मोहर किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, लोथल से। हाथी कपाल व पूरा हाथी दांत। पूरा हाथी दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है, लोथल से। और टूटा हुआ हाथी दांत कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से। हाथी कपाल और पूरा हाथी दांत कहाँ से मिला है, लोथल से। बंदरगाह मिला है, इम्पोर्टेंट है, बंदरगाह किस सभ्यता से। और आज भी बंदरगाह की बात होती है तो हमारे नज़दीक बंदरगाह कहाँ ही है, गुजरात में है, कांडला बंदरगाह है, तो हमें ध्यान रखना है लोथल गुजरात में एक बंदरगाह मिला है। अग्निवेदी मिली है, इसमें चार चीज़ें मिली हैं, फारस की संगमरमर से निर्मित मोहर, हाथी कपाल, पूरा हाथी दांत, बंदरगाह और अग्निवेदी। अब जो इस सभ्यता से नोट है इम्पोर्टेंट लोथल गुजरात से, ये लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किस सभ्यता को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, लोथल गुजरात। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये भी, किस सभ्यता को लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, वो कौन सी सभ्यता है, वो है लोथल गुजरात। नेक्स्ट जो छठी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित, जो छठा स्थल है वो है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ स्थित है, सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो चीज़ है वो स्थित कहाँ है, खोजकर्ता, उसके बाद अवशेष। तो धोलावीरा कहाँ स्थित है, गुजरात का कच्छ जिला है वहाँ स्थित है। गुजरात में तीन चीज़ें, रंगपुर वहाँ स्थित एक सभ्यता, दूसरी लोथल वो भी गुजरात में स्थित है, और तीसरी है धोलावीरा वो भी गुजरात में स्थित है। खोजकर्ता है रविंदर सिंह विष्ट। खोज कब हुई थी, लगभग हाल ही दिनों में हुई, हाल ही दिनों में क्या, हाल ही वर्षों में हुई है, 1990 से 1991 के मध्य। इस सभ्यता से संबंधित जो इम्पोर्टेंट अवशेष है वो ये है कि यहाँ नदी किनारे न होने के कारण यहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। नदी किनारे न होने के कारण ये सभ्यता, नदी किनारे न होने के कारण यहाँ से जलाशयों के साक्ष्य मिले, अर्थात जलाशय, जल के उपयोग के लिए अलग अलग जलाशय बनाए गए बनाए होंगे। तो किस सभ्यता से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं, वो है धोलावीरा गुजरात। नेक्स्ट सभ्यता है बनमाली। बनमाली से संबंधित कोई विशेष अवशेष नहीं है। तो इस सभ्यता के बारे में यह है कि ये स्थित कौन से स्थान पर है, रंगोई नदी के तट पर, हिसार हरियाणा। कहाँ है स्थित, रंगोई नदी के तट पर, हिसार हरियाणा।
खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। स्थित कहाँ है? रंगोई नदी के तट पर, हिसार, हरियाणा। खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट 1974 में। बनमाली से संबंधित बस यही इम्पोर्टेंट दो चीज़ें हैं, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट स्थल बचे हैं वो उनकी बात करेंगे हम थर्ड वीडियो में, और थर्ड वीडियो जल्दी आएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।